अरे यार ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, इतने सारे फोन आ रहे हैं प्रेरणा के। घर पहुंचना क्या करूं, शॉर्टकट वाली रोड ले लूं? पर यार प्रेरणा कुछ बोल रही थी उस रोड के लिए। अरे हर्ष वो मलचा महल वाले रास्ते से मत आना यार, वो बहुत स्केरी रोड है। हाँ हाँ यार टाइम से निकलूंगा। टाइम से निकलना और मलचा महल वाली रोड बिल्कुल मत लेना, भूतिया रोड है वो। अबे डरते थोड़ी ना यार, भूत से उड़ा देंगे उसको आएगा सामने तो। चलते हैं घर भी तो पहुंचना है, जल्दी शॉर्टकट वाली रोड लेते हैं, लेट्स गो। अबे कौन आ गया? अरे इसमें ट्रेनर ने बोला था, अभी तो सच में कोई है। क्या करूं, भगा दूं? अपनी लाइट ऑफ करो। नहीं नहीं अबे यार, अबे रुक जा हॉर्न से, रुक जा भूत। क्या करा मैंने, प्रेरणा ने मना किया था यार, क्या करूं? आगे जाओ, आ रहा मेरे पास। अरे अब रुक जा भूत, रुक जा। नहीं रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। भूत चला गया, वो चला गया, भगवान की बात सुन ली इसने, थैंक गॉड। अब निकलो भागो। हाय क्या बचे हैं यार आज, सीरियसली 2 मिनट पहले सच में हालत बुरी हो गई थी। घर भागते हैं यार अब, सीरियसली सीरियसली घर भागते हैं। ये कौन है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्केरी वीडियो। तो गाइस हमारी लास्ट कुछ स्केरी वीडियोस पे इतना अच्छा, इतना अमेजिंग रिस्पांस रहा है। हमें जितने लाइक्स की डिमांड करी आपसे, आपने उतने लाइक्स हमें दिए, उससे ज्यादा ही दिए, उससे बहुत ज्यादा दिए। तो हमने सोचा कि इस बार फिर से एक और स्केरी वीडियो बनाते हैं, और इस बार हम कितने लाइक्स सेट करने वाले हैं? इस बार टारगेट रखते हैं 200K लाइक्स का। ज्यादा हो जाएंगे, आई थिंक 175K, नेक्स्ट टाइम 200 कर देंगे। तो गाइस अगर आप इस वीडियो पे 175K लाइक्स देते हो तो हम बनाएंगे एक और हॉरर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ असली रियल घोस्ट एनकाउंटर्स जो कि कैमरा पे कैप्चर हुए हैं। एंड गाइस इट्स रियली क्वाइट स्केरी, बहुत ज्यादा डरावनी है। स्पेशली जो हम दिखाने वाले हैं अभी, आपको उइजा बोर्ड पोजेशंस और उइजी बोर्ड बोलते हैं वैसे फॉरेन में। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, जल्दी से आपको दिखाते हैं रियल स्पूकी वीडियोस। एक यूट्यूबर है जो ओल्ड काउंटी जेल को एक्सप्लोर कर रहा था अपने कैमरा के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। इसने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते करते अपने कैमरा में एक घोस्ट कैप्चर कर लेगा, अनविलिंगली अननोइंगली ऑफ कोर्स। बहुत ही रेयर ग्लिम्प्स है, बट जैसे ही वो अपनी विंडो के पास से पास करता है, रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड, पीछे से जाके देखते हैं एक्चुअल एविडेंस है रियल घोस्ट का। उसपे फेस बना कुछ है, हाँ आईज, प्रॉपर आईज है उसकी, प्रॉपर नोज है, पूरा फेस है। देख यार प्रेरणा, डस्ट भी तो हो सकती है यार, ऐसे टेढ़ा फेस है, डस्ट नहीं हो सकती। और फिर फोन का इंप्रेशन पड़ रहा हूँ लाइट्स कैमरा का, होने को कुछ भी हो सकता है, बट इट लुक्स लाइक ये कलरलेस रिफ्लेक्शन जो है किसी आदमी का फेस। अच्छा, हाँ, है आईज है, नोज है, हेड है, ऐसा थोड़ी ना डस्ट से बनता है कि फेस है, रियलिटी में पूरा फेस बना है गाइस। एंड द बेस्ट थिंग इज कि मुझे सेवेरस स्नेप जैसा लग रहा है हैरी पॉटर का। कमेंट डाउन और बताओ क्या आपको ये सेवेरस स्नेप लग रहा है, बताओ अभी के अभी। सो वियतनाम का सीन है, डैश कैम से एक आदमी को एक व्हाइट कलर की औरत नजर आती है। ये वियतनाम में हुआ था गाइस, और ये औरत को देख के वो बंदा डर जाता है और उसके पास रोकने का भी नहीं सोचता है, बट ये व्हाइट कलर की मैक्सी पहन के खड़ी है। यारी मैंने देखा गाड़ी में रात को ऐसे व्हाइट कलर वाले भूत बहुत आते हैं, पर ये डैश कैम पे क्यों रिकॉर्ड करते रहते हैं लोग, ना ही करो यार। देखियो कितनी स्लो मोशन में दिखा रहा है, फेस ही नहीं है उसका। तो गाइस ये दो लड़कियां घर पे खेल रही हैं, जंप कर रही हैं, डांस कर रही हैं, एकदम से एक घोस्ट आता है और पीक लेता है, हेलो आई एम हियर। और एकदम से जो वो कैमरा लेके लड़की खड़ी है वो नोटिस करती है कि कोई है यहाँ पे, वो उसके पीछे भागती है और एकदम से वो जो घोस्ट है वो टेलीपोर्ट हो जाता है। यू कैन सी क्लियरली कि वो स्टेयर्स पे खड़ा है घोस्ट या खड़ी है, जो भी है आई डोंट नो। कोई इतनी फास्ट स्पीड से नहीं रन करता है, प्रॉपर कैमरा पे आप देख रहे हो ये चीज। कट भी नहीं है पता है इसमें, फ्लोट कर रही है यार मिड एयर में, कट क्या लगेगा उसके ऊपर यार। लड़कियां घर से भागती हैं, बट वो देखते हैं उनके घर पे घोस्ट अभी भी है ऊपर वाले फ्लोर पे, उसके बाद तो नीचे वाले फ्लोर पे आ जाता है। ओह माय गॉड,
एक जेनिफर नाम की लड़की है, इसको ना अपने तहखाने में कई दिन से नॉक नॉक ठोकने की आवाजें आ रही थी। तो उसने घोस्ट हंटर्स को बुलाया अपने घर पे ताकि वो देखे कि एग्जैक्टली है क्या जो उसको परेशान। यार घोस्ट हंटर्स होते हैं? एग्जैक्टली, व्हाई नॉट, मेरे को लगता है मूवी में ही होते हैं बस। नहीं नहीं यार, रियली में होते हैं। जो एड वॉरेन, लॉरेन वॉरेन जो कॉन्जरिंग मूवीज में थे वो एक्चुअल में घोस्ट हंटर्स हैं। उन्होंने एनाबेल वगैरह को सच में ढूंढा हुआ है, पता है। इन लोगों ने लिविंग रूम और उसके सारे जगहों पे वो लगा दिए कैमरास, और 2 बजे उनको ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। यार चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है, हरकतें देख यार, हर्ष रियल नहीं हो सकता है। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। देख ऐसे ये कौन रिकॉर्ड करेगा, तो मूवी जैसे बना। ये कैसे हो गया? ये नकली है यार, ये यार एनिमेशन है, ये कुछ बनाया उन्होंने और वो बंदा उठा हुआ है। गाइस आप प्लीज कमेंट्स में बताओ कि ये रियल है या फेक है। मुझे तो नहीं लग रहा यार, इतना ज्यादा स्पूकी है। ये एक ही वीडियो है जो मुझे लग रहा है कि ये नकली है, ये नहीं हो सकती असली। गाइस बहुत स्पूकी थी प्रेरणा ये वीडियो। आई एग्री, ये हमारी हॉरर मूवीज जैसी थी प्रेरणा, जो बिल्कुल रियल नहीं होती। एग्जैक्टली, कैसे वो निकला ना उसके फ्लोर में से। जो उइजा बोर्ड पोजेशन है इसके अंदर आपको ये बता रहे हैं कि आपको घर पे भी उइजा बोर्ड बन जाता है, आपको बाहर से उइजा बोर्ड खरीदने पर आपने नहीं बनाना, पर आपने बिल्कुल नहीं बनाना है। एंड इन्होंने क्या करा कि अपने घर पे उइजा बोर्ड बना के घोस्ट को बुलाया। सो जी मनी नाम का लड़का है जिसने स्पिरिट को बुलाया और एकदम से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिल गया। और जब उसे पूछा कि कितने घोस्ट हैं यहाँ पे, तो जी मनी और उसके फ्रेंड्स को घोस्ट ने बताया कि वहाँ पे 2 घोस्ट हैं। शिट। और फिर उसने उनका नाम पूछा और उनको एक बहुत ही ज्यादा घोस्टली एक्सपीरियंस करने को मिला। उनको नाम पता क्या थे उसके? उनके नाम थे जोजो एंड मामा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो उइजा बोर्ड का पोजेशन है, इस वर्ल्ड में सबसे जो डेडली घोस्ट हैं वो जोजो एंड मामा होते हैं। जोजो, जोजो, ओह माय गॉड डूड, व्हाट द हेक वाज दैट, वी नीड द इंटरसेशन। लाइक अगर आपने उइजा बोर्ड खेला और अगर जोजो एंड मामा आ गए, तो फिर गाइस आपका उइजा बोर्ड का चैप्टर खलास। पता है कि उन्हें सेशन बंद करना है, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। तो जी मैनी फटाफट से गुड बाय पे मूव करता है और पॉइंटर स्लाइड अवे कर जाता है। ओ माय गॉड, ओ शिट, ओ शिट, उनका बोर्ड उड़ जाता है। बोर्ड उड़का उनके पास आ जाता है। उड़का नहीं, उड़के हर्ष, बोर्ड उड़के उनके पास आ जाता है और वो भाग जाते हैं रूम से। गाइस बहुत स्केरी है, सीरियसली ये उइजा बोर्ड पोजेशन बहुत स्केरी है, ये बिल्कुल ट्राई मत करना। नहीं, ट्राई करनी चाहिए। तो गाइस ये ब्लांका नाम की एक लड़की है जिसने उइजा बोर्ड यूज किया था अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंड इट्स अननोन कि इन्होंने कितनी बार उइजा बोर्ड यूज किया था। एक बार नहीं, कई बार, कई बार, क्योंकि उनको अभी भी नहीं पता कि कितनी बार करा है। एंड नाउ यू कैन सी कि उसकी हालत क्या है, उसे पोजेस कर लिया एक दिन किसी स्पिरिट ने, मे बी बिकॉज वो टॉन्ट कर रही थी भूत को, मजाक उड़ा। ऐसा कहते हैं कि उइजी बोर्ड में अगर आप टॉन्ट करो घोस्ट को या फिर उसको अच्छे से प्रॉपरली गुड बाय ना कहो, तो वो आपको पजेस कर सकता है। तो आई थिंक ब्लांका के साथ भी सिमिलरली ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से वो पजेस हो गई, एंड नाउ उसको चेन करके रखा हुआ है हॉस्पिटल में, एंड उसकी हालत, और 16 इयर्स की यार, जस्ट 16 इयर्स, कैन यू इमेजिन कितनी ज्यादा स्केरी चीज है उइजा बोर्ड। यू कैन नॉट जस्ट हैव फन एंड लेट इट गो, आपको हॉन्ट करेगी चीज फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो भी लोग वहां पे हॉस्पिटल में थे वो काफी ज्यादा डरते थे ब्लांका से, बिकॉज शी वाज बैडली पोजेस्ड बाय अ स्पिरिट। ओह माय गॉड, बहुत वायलेंट हो गई थी, देख रहे कहां पे चढ़ी हुई है वो यार। यार। उसी कोई न्यूज़ ही नहीं मिली एंड तक। कह रहे हैं कि शायद उसको एग्जाइल कर दिया वहीं पे, या फिर उसको मार दिया, डेथ पेनल्टी दे दी ताकि पूरा टाउन सेफ रह सके। तो गाइस बेसिकली ये स्टोरी एक समर इवनिंग की है जब 2 दोस्त डिसाइड करते हैं कि आज हम एक हॉन्टेड चैपल एक्सप्लोर करेंगे। उनके घर से कुछ ही स्टेप्स दूर एक हॉन्टेड सा चैपल है जहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा आयरी इंसिडेंसेस होते हैं और वहाँ जाना अलाउड नहीं है। बाहर बहुत प्रॉपर साइंस है, प्रेयर्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे प्रेयर्स लिखे हुए हैं कि अंदर मत जाओ, कि अंदर मत जाओ, ये हॉन्टेड साइट है। Yeah. Oh shit. Ah. Are you there?
बट ऑब्वियसली यंग ब्लड जाएगा तो है, बैकडोर से एंट्री कर ली, बैकडोर से एंट्री करी है, ट्रैक एक पोडियम से पास कर रहे हो, यहाँ पे एक पियानो पड़ा हुआ है, पियानो पड़ा हुआ है, राइट, अब उन्हें एक लैडर मिली है लेफ्ट पे और स्टीव ऊपर चढ़ने लगा है और जेक ने उसको मजाक में बोला कि अगर तू स्टीव ये चढ़ेगा ना तो तेरे ऊपर एक डेड बॉडी गिर जाएगी। भाई ऐसा मजाक, इतनी रात को अंधेरे में कोई इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है, मेरे को ये समझ हट से यार, दोनों दोस्तों में यार बहुत हिम्मत चाहिए सच में। आगे देखते हैं, अच्छा वो डिसाइड करते हैं अब हम नहीं करेंगे और एकदम से पियानो बजने लग गया। खड़े हैं, भागे नहीं यार, लाइट्स बंद कर दी भाई। गाने की मेलोडी और रिकॉर्ड करी जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उन्हें। अनो का म्यूजिक चल रहा है फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि हम तो रुकेंगे यहाँ पे, हमें कोई मतलब नहीं है, अंटिल दे फाइंड आउट कि वहाँ पे एक ब्लैक कलर का फैंटम बैठा हुआ पियानो पे, कोई ना कोई है जो पियानो बजा रहा है। एग्जैक्टली, और जेक उतने में ही रोना स्टार्ट कर देता है एंड देन दे डिसाइड कि अब वहां पे हम नहीं रुकेंगे एंड दे रन अवे एंड वो बस ये होप करते हैं कि अब वो घोस्ट वहीं पे रह जाए जहां पे था और पियानो की आवाज बंद हो जाती है बट यू नो व्हाट, वो घोस्ट उन्हें चेस करता है, फॉलो करता है वो। माय गॉड, आई एम स्केर्ड, स्पूकी। अब तो दिन दिहाड़े भी भूत आने लग गए प्रेरणा। एग्जैक्टली, वो भी रेस्टोरेंट्स में, हमेशा मैंने तो सुना था या तो अबैंडन्ड हाउसेस या फिर थोड़े स्केरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे आते हैं बट अभी रेस्टोरेंट्स में भी आने लग गए यार दिहाड़े भूत। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटी सी ब्लैक इमेज है जो एकदम बड़ी 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 हो रही है, जिससे सेल एकदम बड़ा बड़ा होता है ना, टेबल भी लेती है यार वो। हाँ, अपना टेबल पे गई है और फिर मिरर के पास, विंडो के पास आई, एकदम से सामने से बंदा आया, उसने उस चीज को नोटिस करा और वो वापस मुड़ गया एंड कोई फर्क नहीं पड़ा उस स्पिरिट को, वो और बड़ी होती जा रही है, होती जा रही है, यू कैन सी लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ गया है एंड अभी बाहर बाहर की तरफ जा रही है, गायब नहीं हुआ है, लुक इट्स फ्लोटिंग आउटसाइड विंडो से बाहर गई है गाइस प्रॉपरली, जैसे एक सेल से आजादी मिली हो। ओह नो, ये वापस आ गई, वापस आके जहां से उसका स्टार्ट हुआ था वहीं पे उसका एंड हो रहा है, वहीं से एंड हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। और गाइस ये रियल घोस्ट है, रियल मतलब लाइव कैमरा पे कैप्चर हुआ है। Oh my God, imagine हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी हम एडिट करने बैठे तो पीछे से एकदम ऐसे एक लंबी सी शेप में कोई घोस्ट। अरे यार तू बंद कर यार, नहीं कर, कैसा फील होगा। सो गाइस, सिडनी में केरला कैसल होटल का पब है, बहुत ही फेमस, जहाँ पे एक फेमस घोस्ट रहता है जिसका नाम है मिस्टर पीट, और ये जो प्लेस है, ये पब जो है, ये फेमस है मिस्टर पीट की वजह से, क्योंकि वहाँ पे घोस्ट, मतलब क्या मजाक है ना, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। बॉटल्स गिर रहा है, वो देख कैसे बॉटल्स गिर रहा है, फ्रेंडली घोस्ट है इस एरिया का यार, जो अकेला आता है बार पब में पीने के लिए, उसको एक बंदा चाहिए होता है ना साथ में, तो घोस्ट है, जॉब नहीं छोड़ पाया, अपनी अर्थ छोड़ दी पर जॉब नहीं छोड़ पाया, बहुत डेडिकेटेड था। तो जो ये फर्स्ट इंसिडेंस है, इसमें एक इंसान अंदर आया, एक आदमी अंदर आया और एकदम से टू रेड वाइन की बॉटल टूट गई। कहते हैं कि मिस्टर पीट को रेड वाइन काफी ज्यादा पसंद, उसकी फेवरेट ड्रिंक थी, उसकी फेवरेट ड्रिंक थी, इसलिए वो बर्बाद कर रहा है कि कोई और ना पी सके, कोई और ना पिए। बड़ा शराबी था मिस्टर पीट, कहते हैं बहुत एंग्री घोस्ट था वैसे। अभी सेकंड इंसिडेंस में ये लड़की बारटेंडर जो यहाँ पे खड़ी है बार पे, तू देख रही बार पूरी फुल बार है, एकदम से रेड वाइन का ग्लास टूटा, मतलब रेड वाइन ही उसको फ्लाई करा एकदम, पता है वो फ्लाई करा। एग्जैक्टली, एंड अभी जो ये थर्ड इंसिडेंस है, इसमें तो मिस्टर पीट ने खुद आके अपने दर्शन दे दिए, कह रहे दर्शन दो घन श्याम, हाय किया, हाय करा, वेव करा, हेलो मैं हूं, और कह रहे कि ये जो बारटेंडर की आत्मा है ना, ये बहुत सारे लोगों ने देखी है।
कई जगह ना नोटोरियस हो जाती है इन चीजों के लिए कि यहाँ पे घोस्ट हैं, तो चलो चल के देख के आते हैं, एक्सपीरियंस करके आते हैं कैसा होता है, कैसा होता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, हम लोग काफी ज्यादा स्पूक्ड आउट हो चुके हैं सारी वीडियोस देख के, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आप सब सेफ रहें, हम भी सेफ रहें, एंड उइजा बोर्ड जैसी फालतू चीजें बिल्कुल ट्राई मत करो। अगर आपको इसका एक और पार्ट चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, स्मैश दैट लाइक बटन, 175K व्यूज आएंगे तो हम एक और पार्ट बनाएंगे। शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब वॉन्डर्स हब। एक्जैक्टली, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कर लो भाई, कर लो गाइस, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।